जो किसान आंदोलन कल जिसने 11 महीने पूरे करे हैं और इन 11 महीनों में सरकार का अहंकार, सरकार की तानाशाही, सरकार के षड्यंत्र जो किसान, गरीब, मजदूर और इस देश और हरियाणा प्रदेश के लोगों को कुचलने की एक साजिश रही, उसका किसानों ने भी और डट करके इन्होंने भी मुकाबला किया और उनके साथ खड़े हुए। जो बात इन्होंने उस समय कही और इन्होंने क्या कही, सबसे बड़ी बात यह है कि वो इस देश के किसानों ने, किसान संगठनों ने, किसान नेताओं ने वो बात कही थी कि लोग राजनीतिक अपने जो पद हैं, चाहे संगठनों के हों वो, चाहे इलेक्टेड उनके पद हैं वो छोड़ करके किसान आंदोलन में उनके साथ आए। मेरे ख्याल से शायद ही कोई ऐसा दूसरा और उदाहरण इस देश में होगा कि किसी ने विधानसभा या सांसद होते हुए वो पद छोड़ करके और किसान आंदोलन को समर्थन दिया। कुछ लोग ये बात कहते हैं कि भाई ये चुनाव जो है उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं, मैं तो इतना ही कहूँगा कि अगर कोई अपील जनता की तरफ से आए और इस पर इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव गौर ना करें, पार्टियों के मुखिया गौर ना करें, तो लोगों का मनोबल टूटता है, विश्वास टूटता है। लेकिन जब उसी कोज के लिए कोई त्याग करता है तो उसका एक पूरे देश में, समाज में, हर वर्ग में मैसेज जाता है। और जो इन्होंने उनकी कॉल पे रिस्पोंड किया और उसके बाद हमने रिस्पॉन्स जाकर के इलाहाबाद में भी देखा, सब जगह देखा, वो लोगों के अंदर एक आपके प्रति जज्बा भी है और लोगों ने कहा कि कम से कम कोई तो था। मैं तो इतना ही कहूँगा कि जो विपक्ष की इस तरीके की बातें आती हैं, ये त्याग, बलिदान, कुर्बानी, चाहे वो हमारे शहीदों की हो, किसानों की हो, या कोई भी व्यक्ति जो सार्वजनिक जीवन में है उसको कम आंकने की जो हमेशा कोशिश रहती है, ये देश के लिए बड़ा चिंता का विषय है। और अगर सब केवल और केवल अपने बारे में सोचने लगे तो मुझे लगता है कि फिर कोई उनके लिए ना तो त्याग करेगा ना कोई कुर्बानी करेगा। तो इसलिए सबसे पहले तो मैं बधाई देता हूँ और मुझे पूरा विश्वास है कि और बड़े मार्जिन के साथ इस इलाहाबाद की जनता वो किसानों का जो कोज है उसके साथ खड़ी होगी। और जिसके प्रतीक के तौर पर आज भाई अभय सिंह चौटाला जी वो लड़ रहे हैं, हमारा समर्थन पूरी मजबूती से किसान कोज के लिए है। और पूरे देश के अंदर जो इस तरह का कोई भी स्टैंड लेता है अच्छाई के लिए, सच्चाई के लिए और इस देश को मजबूत करने के लिए, किसान का, मेरा, गरीब मजदूर को मजबूत करने के लिए, हम पूरी मजबूती से उनके साथ हैं। मैंने कहा था कुछ दिन पहले कि भाई साहब भी इनको, इन्होंने भी हमें अप्रोच किया कि हमारा समर्थन करो। हमने तो इनको कहा था कि जो किसान के साथ है हम उसके साथ हैं मजबूती से, लेकिन एक बार पूरे हलके में घूम करके आएंगे। 6-7 दिन में घूम करके आया, सारे गांवों में मेरा पुराना ये हल्का रहा है। 8वां चुनाव मैं देख रहा हूँ, 2 बाई इलेक्शन, 3 विधानसभा के जनरल इलेक्शन, 3 मैंने खुद चुनाव लड़े हैं। और इसलिए सबसे पूछना भी जरूरी था और सबसे पूछने के बाद मेजॉरिटी जो है उसका मत यही था कि हमें INLD को सपोर्ट करना चाहिए, क्योंकि उन्होंने किसानों को सपोर्ट करने का काम किया है। जहाँ तक मामला और दूसरे दलों का है, मुझे लगता है कि BJP और JJP मात्र औपचारिकता करने के लिए यहाँ पर आए। उनको भी पता है कि इस चुनाव में उनका क्या असर होने वाला है, केवल पैसे के दम पर, केवल सरकार और सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग करके कोई ये सोचे कि हम उस तरीके से सिस्टम को कैप्चर कर लेंगे, लोकतंत्र की हत्या कर देंगे, तो ये मुमकिन नहीं है। क्योंकि पूरा इलाका मजबूती से इस सरकार के और उनकी नीतियों के खिलाफ खड़ा है। जो 3 कृषि काले कानून वो लेकर के आए हैं और MSP का कानून आज भी
पास करने की जो उनकी मंशा नहीं है, तो इस चुनाव के बाद निश्चित तौर पर उनको झुकना पड़ेगा। साथ साथ जो मुझे बताया भी गया है, मुझे लगता है मोटी मोटी पोजीशन जो ईवीएम में है, जो बैलेट की, कहीं ना कहीं वही पोजीशन जो है इस इलेक्शन में देखने को मिलेगी। और ये ठीक कहा कि कईयों की तो जमानत भी जब्त होगी और बहुत मामला जो है, इस चुनाव के बाद हरियाणा की राजनीति के समीकरण बहुत बदलेंगे। हैट्रिक जो बीजेपी और कांग्रेस के कैंडिडेट हैं, कई लोग तो अच्छे की हैट्रिक लगाते हैं, ये हार की हैट्रिक लेंगे। और बीजेपी ऑलरेडी उनको पता है कि वो हार का जो हार है वो पहन चुके हैं। कल जिस तरीके से हमने देखा, कई बार बड़ा देख करके अजीब भी लगता है, क्योंकि इस इलाके में मैंने कहा कि 8 चुनाव हमने देखे, ऐसा लगता है कि जैसे कश्मीर में चुनाव हो रहा है, बल्कि कश्मीर में भी ऐसा चुनाव नहीं होता होगा। पहले हजारों पुलिस वाले पहले पहुंच जाते हैं, फिर एक बस चलती है पूरी भरी हुई, फिर बीच में गाड़ियों में फिर पुलिस होती है, फिर कैंडिडेट किस गाड़ी में ये पता ही नहीं किसी को, और उसके बाद लास्ट में फिर 2-3 बसें होती हैं। और कल तो ऐसा था कि लग रहा है कि पता नहीं ये चुनाव कहाँ पर हो रहा है। तो जो कश्मीर को ये कहते थे कि हम सड़क बनाएंगे, उन्होंने इलाहाबाद को भी कश्मीर जैसे हालात बनाने का काम कर दिया। तो इस पृष्ठभूमि में मैं लास्ट में इतना ही कहूँगा कि जो दिवाली है वो किसानों की, मजदूर की, गरीब आदमी की, और इस मुल्क की जो बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, तमाम जो आज अत्याचार की घटनाएं हम देख रहे हैं, साजिशें और षड्यंत्र बॉर्डर के ऊपर है, वहाँ पर किस तरीके से जो बीजेपी है इस आंदोलन को ख़त्म करना चाह रही है, पीछे एक दलित युवक की वहाँ पर हत्या करवा दी, और फोटो हमने देखे कैसे बीजेपी के नेताओं के साथ थे। ऐसे ही बहुत सी कोशिशें इनकी जारी है, कई गांवों के अंदर हम देख रहे हैं सामाजिक, ये पूरा षड्यंत्र है कहीं ना कहीं, ताकि समाज में तनाव पैदा हो, लोग जो है संकीर्ण सोच के हिसाब से तमाम दूसरे मुद्दों को लेकर के और वो अपना मतदान करें। लेकिन चाहे वो मामला उचाना के छापर गांव का हो, तमाम छात्र का हो, चाहे दूसरे उसका हो, आने वाले समय में इतना ही कहूँगा कि मजबूती के साथ ऐसी तमाम ताकतों का हमें सबको मिल करके मुकाबला करना चाहिए। अब मैं अनुरोध करूँगा, आपके जो सवाल है उसके जवाब में बाद में आएगा, मैं अभय चौटाला जी से अनुरोध करूँगा कि वो अपनी बात रखें। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं तंवर साहब का आभार व्यक्त करता हूं कि उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से आज मेरा सहयोग किया, समर्थन दिया, उसके लिए मैं इनका आभारी हूं। आज चुनाव का मामला, चुनाव में केवल मात्र 2 दिन शेष बचे और आज जो सत्ता में बैठे लोग हैं, जैसे अशोक जी बता रहे थे कि अपनी अनौपचारिकता पूरी करने के लिए आए हुए हैं, अब उनके पास कोई मुद्दा नहीं है कि किसी मुद्दे को लेकर के वो मतदाताओं के पास जाए। वो 7 वर्ष की बात करते हैं कि हमने 7 वर्ष में इलाहाबाद में 700 करोड़ से ज्यादा रुपया खर्च कर दिया। ये तो आप सब जानते हो, इलाहाबाद के लोग जानते हैं, डिस्ट्रिक्ट के लोग जानते हैं कि कितना पैसा यहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट ने खर्च किया। यहाँ तो कंडीशनल वोट मांगे जाते हैं। अब भी सत्ता पक्ष के लोग जो हैं अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगने की बजाय मतदाताओं के बीच में जाकर के कहते हैं कि अगर आप विकास चाहते हो तो फिर हमें वोट दे दो। उनका सीधा मतलब है कि अगर वोट नहीं दोगे तो फिर आपके यहाँ विकास नहीं होगा। आज तो कल मैं सुन रहा था कि मुख्यमंत्री भी और उनके मंत्रिमंडल के अन्य सदस्य भी बारी बारी से एक ही बात कह रहे थे कि हम मेडिकल कॉलेज खोलने जा रहे हैं। 7 वर्ष में तो एक ईंट नहीं लगी, अब मेडिकल कॉलेज खोलने की बात करते हैं। इनकी आदत है, ये हमेशा जहाँ कहीं भी चुनाव हुआ, बड़ौदा का उपचुनाव था तो वहाँ भी मुख्यमंत्री ने इस किस्म की बहुत सारी घोषणाएं करी थी।
लेकिन अब बड़ौदा से जो विधायक चुन करके विधानसभा में गया उसने दोनों सेशन के अंदर जब उसको बोलने का मौका मिला तो उसने मुख्यमंत्री को याद दिलवाया कि आपने जो कॉलेज बनाने की घोषणाएं हमारे यहाँ पे की थी, आपने अन्य जो विकास की बात करी थी, वो सब चीज़ें कहाँ चलेगी, उनके ऊपर कहीं पे भी कोई एक ईंट नहीं लग रही। मुख्यमंत्री की कोई भी बात अगर उस पर काम नहीं हो तो फिर उसके लिए सरकार को शर्मिंदा होना पड़ता है। यहाँ पे भी इसी किस्म के हालात हैं। आज मेडिकल कॉलेज की बात करते हैं, आज महंगाई का जो हाल है वो इस कदर है कि प्याज जो उसने फिर लोगों को रुलाना शुरू कर दिया, 70 रुपये किलो प्याज हो गया, टमाटर का रेट भी उतना ही है। इस महंगाई पे बात नहीं करते कि हमारे राज्य में महंगाई बढ़ रही है, और इसी तरह से पेट्रोल और डीजल के दाम जो है वो हर रोज बढ़ रहे हैं। पिछले एक वर्ष में 25 रुपये लीटर जो है डीजल और पेट्रोल के दाम बढ़े। इसी तरीके से DAP जो खाद है उसके लिए किसान को लाइन में लगना पड़ रहा है, और ना केवल लाइन में लग रहा है बल्कि उस किसान के ऊपर पुलिस स्टेशन से जा करके उसको खाद खरीदनी पड़ रही है। इससे बुरा हाल और क्या होगा। और कल की जो घटना थी उसकी तो जितनी ज़्यादा निंदा की जाए, कल जो घटना हुई उसकी जितनी ज़्यादा भी निंदा की जाए वो थोड़ी है। जिस तरह से जमाल गांव के अंदर किसान अपने शांतप्रिय तरीके से सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे, उन किसानों के ऊपर जहाँ वो अपना मार्च कर रहे थे, जहाँ वो विरोध कर रहे थे, उनके विरोध से विचलित होकर के सत्ता में बैठे लोगों ने इस किस्म के आदेश जारी किए कि इनको तुरंत गिरफ्तार किया जाए, इनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। यहाँ तक भी JJP के एक आदमी ने तो नेता ने तो यहाँ तक भी कह दिया, JJP के कार्यकर्ता ने तो यहाँ तक भी कह दिया कि इनको गोलियां मार दी जाए। आज पुलिस में उनके खिलाफ इस बात को लेकर के FIR दर्ज है, और एक किसान नेता की तो पगड़ी पे, मतलब हमारा सबसे बड़ा सम्मान पगड़ी है, अगर कोई हमारी पगड़ी पे हाथ डाले तो फिर हमारे लिए ये मान के चलो उससे अच्छा तो इंसान है। जब किसी की पगड़ी पे हाथ डालता है तो वो मरना अच्छा समझता है उससे। और कल तो पुलिस ने जो है उन राजनीतिक लोगों के कहने से एक किसान नेता की पगड़ी पे भी हाथ डाला है, उसकी पगड़ी उतारने का काम किया, उसका वीडियो जारी हुआ है, और उसके साथ बहुत बदतमीजी की गई, उसके साथ मारपीट की गई है। रात को ही सारे लोग जब वहाँ पे एकत्रित हुए तो पुलिस ने फिर माफिया भी मांगी है, और माफिया मांग करके FIR भी लॉन्च करी है। लेकिन इस तरह से अगर पुलिस कहीं करती है, अरे राजनेताओं के कहने से करती है, तो पुलिस के लिए भी शर्मिंदगी की बात है। पुलिस को भी सोचना चाहिए कि आप किन लोगों की हिफाजत में लगे हो। आज उन लोगों की हिफाजत की जा रही है। अभी मेरे से पहले अशोक जी बता रहे थे कि पुलिस की बसें चलती है, पुलिस की कंपनियां आकर के लग जाती है, खड़ी हो जाती है, हजारों हजारों की संख्या में पुलिस वालों को साथ लेकर के चला जाता है। मैं आपको एक छोटा सा किस्सा बताता हूँ। हमारे एक विधायक है जो मेरे प्रचार में आए हैं, आपके इसके भादरा के बलवान पूनिया के, वो लोगों को एक किस्सा सुनाते हैं। कहते हैं कि हमने बॉर्डर पे तो मिलिट्री देखी, लेकिन मैं यहाँ जब हल्के में आया तो मैंने देखा कि एक काफला मेरे साथ से गुजर रहा था, उसमें एक बस निकली, दो निकली, तीन निकली, चार निकली, उसमें सारे जो लोग थे वो आर्मी की वर्दी में थे। मुझे यूँ लग रहा था कि कहीं ये जो अर्धसैनिक बलों के लोग यहाँ घूम रहे हैं, हो सकता है इस इलाके में कहीं कोई आतंकवादी आगे होंगे, या कोई यहाँ पे और इस किस्म के लोग होंगे जिसकी वजह से माहौल कोई ख़राब हो रहा होगा। उन्होंने कहा कि मैंने रोक करके पूछा कि ये पुलिस के ये जो मिलिट्री के लोग हैं, ये जो अपने पैरामिलिट्री फोर्सेज है, ये किसके लिए आई हुई है, कोई आतंकवादी आ गए या कुछ और यहाँ पे गड़बड़ हो रही है। तो उन्होंने बताया कि नहीं, हम तो गोपालकांडा की हिफाजत में लगे हैं। फिर उसने कहा कि मेरे को बड़ी शर्मिंदगी हुई जब उन्होंने कहा कि हम गोपालकांडा की हिफाजत में लगे हैं। गोपालकांडा का नाम आते ही मेरे दिमाग में वो बात आ, मुझे वो याद आ गया, ये तो 376 और 302 का मुजरिम है। अगर आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेज जो है अगर ऐसे लोगों की हिफाजत करेगी तो फिर आम नागरिक का क्या होगा। आम नागरिक तो फिर कहीं सुरक्षित रहेगा नहीं। अगर गुंडों को सुरक्षा प्रदान सरकार करती है तो इससे ज़्यादा बड़ी शर्मिंदगी और क्या होगी। तो आज जो हालात हैं वो इस किस्म के हैं इस प्रदेश के अंदर कि टोटल का टोटल इस चुनाव के अंदर सरकार के खिलाफ ऐनक के निशान पर लगा करके मुझे बड़े भारी बहुमत से जिताने का काम करेगा। वही मैं एक बार फिर अशोक तंवर जी का आभार व्यक्त करता हूँ
जो उन्होंने मुझे आज समर्थन दिया है, जो आज अपना सहयोग दिया है, इसके लिए मैं उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। बहुत धन्यवाद। हाँ जी, साथियों के कोई सवाल हो? वैसे तो सारी बात भाई साहब ने भी कह दी, हमने भी कह दी। पहले जो प्रस्तावित कार्यक्रम था वो आज का था, चौकता में था, किसानों की कॉल आई कि किसानों के बड़े नेता है चौकता में, आज ही रैली करेंगे, और वो बदल करके कल उनको करना पड़ा। क्या ये किसानों का दबाव था या फिर उनकी अपनी कोई रणनीति रही होगी? हालांकि उनके आज की भी इलाहाबाद में कार्यक्रम, इनकी रणनीति तो एक ही है, कैसे लोगों को लूटा जाए, कैसे नया घोटाला किया जाए, कैसे आम आदमी को परेशान किया जाए, ये बीजेपी की रणनीति है, इस मुख्यमंत्री की विशेष रूप से है। ये तो सीधा सीधा किसान का प्रेशर है, और किसान के प्रेशर के सामने ही इन्हें अपनी सारी चीजों को बदलना पड़ता है। पहले ये किसान को परेशान करते हैं और फिर जो है ये माफिया मांगते हैं। देखिए, बीजेपी तो आप देख ही रहे, 7 साल में उनकी जितनी भी आज तक पीछे नीतियाँ आई, बड़े बड़े महापूंजीपतियों को सपोर्ट करने के लिए, चाहे ये 3 कृषि के काले कानून हों, चाहे मजदूरों के खिलाफ हों, चाहे और हम देखें, और उससे देश के हर वर्ग की कमर तोड़ दी उन्होंने, उसके साथ साथ अर्थव्यवस्था भी ख़त्म कर दी। लोग ये कहने लग गए कि भाई हमने तो बहुत सोच करके ये मैंडेट दिया था कि कुछ अच्छा करेंगे, लेकिन इन्होंने तो और बर्बाद करने का काम किया। दूसरी तरफ जो कांग्रेस है वो देश में किसान, मजदूर, गरीब, नौजवान, हमारी माताएं बहनें, हर वर्ग के ऊपर संकट है, लेकिन वो आज भी षड्यंत्रों में उलझी हुई है। कांग्रेस, मुझे कहना नहीं चाहिए, यही बात उन्होंने जब राज्यसभा का चुनाव था तो कुछ उनके बड़े नेताओं ने कहा था, जी फलाना तो मेरा दोस्त है, सुभाष गोयल तो मेरा दोस्त है, दोस्ती निभाई और पेन का जो है खंजर घोप करके, और उस समय INLD और सोनिया जी ने उस समय कैंडिडेट दिया था उनको, वही काम अब यहाँ भी कोशिश है। उन्हीं लीडर्स की यही कोशिश है कि किस तरीके से भाजपा को जिताया जाए, लेकिन जब जनता जाग जाती है और जनता ये डिसाइड कर लेती कि हमें किसके साथ खड़ा होना, तो साफ वो होगा। और एक डील तो पहले ही हो रखी है लोगों की, जो G23 हो, बाकी लोगों, ये तो डील कर रहे हैं बीजेपी से ताकि देश को लुटवाया जाए कॉरपोरेट के माध्यम से, और इसी तंत्र को देख करके बहुत हमने 25-30 साल राजनीति में देखा, इन्हीं ताकतों के खिलाफ आके हमारी मजबूत लड़ाई। और मैं तो इतना ही कहूँगा इलाहाबाद के लोगों से कि हो गई है डील बीजेपी और कांग्रेस की, इसलिए मर्त बरतना ढील, ऐसा जनादेश दीजिए कि ये जो डीलर है ना, जिन्होंने 2014 में उससे पहले ही 31 तक का माल बेच दिया पूरे दिल्ली NCR का, आज वो मुद्दा थोड़ा सा दूसरा हो जाएगा, और आज जेलों में जाने के डर से वो बीजेपी से हाथ मिलाए हुए हैं, ये औपचारिकता करने आ रहे हैं, और कुछ नहीं है मामला। इसलिए कांग्रेस, और मैंने पवन बेनीवाल जी, मैं चौपटा के दौरे पे था, रात को मिल गए मेरे को एक दिन, बोले भाई साहब मेरा सहयोग करो, मैंने कहा मैं तो सहयोग कर दूं, लेकिन ये जो कांग्रेसी है ये तो आपका सहयोग नहीं कर रहे, सारे तो हराने में लगे हुए हैं। तो ये उत्तर प्रदेश में एक कहावत चलती है कि भाई चौबे जी जो है, छब्बे जी ये विधायक बनने के लिए चले थे, लेकिन जमानत जब्त होगी, तीसरे नंबर पर कांग्रेस आएगी, ये हाल हो गया, क्योंकि दूसरे तो पैसे का दुरुपयोग करने की कोशिश कर रहे हैं, कितना क्या कामयाबी मिलेगी ये तो समय बताएगा, लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस आज कमजोर और कॉम्प्रोमाइज नेतृत्व में तीसरे नंबर की पार्टी हरियाणा में बन गई। कैंपेन तो आज आखिरी दिन है, और आज तो पूरा हो ही जाएगा, हम तो जहाँ अपने सभी साथियों से मिल रहे हैं, जिन लोगों ने हमेशा हमारा साथ दिया, हमारे उनके साथ पारिवारिक व्यक्तिगत जो संबंध है, विचारधारा की जो लड़ाई वो जो लड़ते हैं, तो उनसे हम सबसे मिल के आए, और जहाँ छूटा है वहाँ अगले 1-2 दिन में और सभी साथियों से संपर्क करेंगे, और पूरी मजबूती से ये किसान की लड़ाई हम जीतेंगे। सर, कल मुख्यमंत्री ने आप पर तंज कसते हुए कहा कि अपनी विधानसभा में ऐसे विधायक को लाइए जिनसे बात करने के लिए मोड़ का पता न करना पड़े। मुख्यमंत्री ने कौन है?
मुख्यमंत्री जी ने जो आप कह रहे हो तंज कसा, तंज नहीं कसा। मुख्यमंत्री को अगर किसी से डर है तो केवल मात्र इलाहाबाद के विधायक से। मुख्यमंत्री ने तंज नहीं कसा, सच्चाई कही है कि मुझे ऐसे व्यक्ति का सामना मत करवाओ जिससे मुझे कल जवाब देना मुश्किल हो जाए। मुझे बड़ी हैरानी है, तब आपको सारी बातें सच्चाई आपके सामने आई। यहाँ पे जो आज नहरी पानी लगता है लोगों के खेतों में, वो टोटल देन 2000 से 2005 की है। ये तो टोटल बिरानी इलाका था, यहाँ तो पानी था ही नहीं, एक बूंद पानी नहीं था। ये तो चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की एक सोच थी, इस गंगा नदी के पानी को भी उन्होंने रोक करके एक नया कोटू का जो है कोटू बियर बना करके उस पानी को रोक करके लोगों को पानी दिया, जिसकी वजह से आज यहाँ धान की फसल होती है। ये जो सेम आई है ये 2000-2005 में थी। ये सेम तो कांग्रेस का राज बनने के बाद, कांग्रेस का राज बनने के बाद ये सेम आई है। चलो ये तो कांग्रेस के राज के बाद जो है सेम आई है, और 10 साल लगातार कांग्रेस पार्टी का राज रहा। कांग्रेस पार्टी ने इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया। उसके बाद 7 वर्ष बीजेपी की गवर्नमेंट को गए। बीजेपी जो सेम की समस्या का बात करती है, पीने के पानी की समस्या की बात करती है, हमने तो वाटर वर्क्स बना दिए थे। ये कम से कम जो उनमें लीकेज है उनको तो ठीक करा दें। कम से कम बीजेपी ये तो इस चीज के लिए माफी मांग ले कि हमने 7 वर्ष में इस इलाके की अनदेखी करी है, हमने 7 वर्ष में यहाँ पे कोई काम नहीं किया है, केवल लोगों को गुमराह किया, झूठ बोलने का काम किया। अगर ये ठीक होती तो फिर आज सेम की समस्या भी नहीं होती, और ना आज फिर जो है पीने के पानी की और नहरी पानी की दिक्कत लोगों के सामने होती। इस सब के लिए जिम्मेवार अगर है तो 10 साल की कांग्रेस की गवर्नमेंट और 7 साल की बीजेपी की गवर्नमेंट है। ये तो मैं इनका नुमाइंदा हूँ, इसलिए जो है आज भी कहीं कहीं थोड़ा मोटा पानी सरकार के ऊपर दबाव डाल करके लोगों को ला करके देता हूँ। आओ माजरा जी भी आ गए, माजरा जी का भी स्वागत है। एडजस्ट कर लो आप भी। जी होगी सारी बातचीत, कोई माजरा जी से सवाल करना होगी। माजरा जी, इस परिवार का हिस्सा आप रहे हैं, मीडिया बीच में बनी, आखिरकार आज क्या वजह रही कि माजरा जी दोबारा से फिर इन लोगों के पास? किस सरकार ने इस प्रकार के कानून बनाए हैं जिनकी वजह से आज किसान मजदूर मजलूम गरीब दुखी है, और उन्हें डर है कि मंडियां खत्म हो जाएंगी, MSP नहीं रहेगा, और गरीब के राशन पे डाका डलेगा, बेरोजगारी बढ़ेगी। इन सारे मुद्दों को लेकर के अभय सिंह चौटाला ने हरियाणा विधानसभा से इस्तीफा दिया था, और ये लड़ाई बहुत लंबी खींच गई। 11 महीने से किसान आंदोलित हैं, 700 से ज़्यादा चले गई, और बेरोजगारी चरम सीमा पे, हरियाणा का प्रथम स्थान है हंगर इंडेक्स में, हम दुनिया में बांग्लादेश से और पाकिस्तान से भी हमारी दर्दनाक स्थिति है। आज जहां कृषि के काले कानून बनाए, वही लेबर लॉज भी इस प्रकार के बनाए हैं जो मजदूरों के खिलाफ हैं। और जिस प्रकार हरियाणा प्रदेश की सरकार ने भूमि अधिग्रहण अधिनियम में से 70% किसानों की सहमति का प्रावधान खत्म कर दिया, ये किसान के जड़े पे नमक छिड़कने के बराबर है। पेट्रोल डीजल रसोई गैस के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, महंगाई आसमान को छू रही है। ऐसे माहौल में जहाँ पे बाजरे का MSP नहीं रहा, 1100 रुपए में रुड़ता फिरता है, धान विक्रेता किसानों से पूछें, धान उत्पादकों से पूछें,
400-500 रुपए प्रति क्विंटल के हिसाब से एमएसपी नहीं मिल रहा। और आज एमएसपी का ढोल पीटने वाले जो लोग थे उन्हें समझ लेना चाहिए कि ये चुनाव नहीं है, ये तो एक किसान मजदूर की लड़ाई है जिसका एक सिंबॉलिक तौर से अभय सिंह चौटाला लड़ रहे हैं। और आज इनके चुनाव का जहाँ प्रश्न है, इसमें हर हरियाणवी का फर्ज बनता है कि जिन्होंने इतनी लंबी लड़ाई लड़ी है उनका साथ दें, समर्थन करें। और आपसे भी आपसे आशा करता हूं कि आप भी अपनी लेखनी से, अपनी आवाज से इस में सहयोग करें। जहां तक आपने कहा कि क्या इसमें स्थायी तौर से हैं, आज चुनाव का समय है और न ही किसी दल में आने और जाने का। आज सवाल तो केवल विरोधियों की जमानत जब्त करवाने का है, चाहे वो भाजपा जसपा के हैं, चाहे वो कांग्रेस के। ये बात आपने मेरे से कई दफा पूछ ली, मैंने आपको हर दफा एक ही जवाब दिया है कि भाजपा और कांग्रेस दोनों भी इस बात को लेके अब विवाद है कि कौन जमानत बचाए। इनके जमानत की लड़ाई है। मेरे लिए तो लोगों ने एक फैसला कर रखा है, मेरी टिकट जब लोगों ने ली तो उस दिन फैसला कर दिया था कि हम इनको तो भारी बहुमत से जिताएंगे और इन दोनों की जमानत जब्त कराएंगे। अब आप उनसे जाके पूछ के आओ तो कौन सा टक्कर, कौन सा तुम्हारे में से जमानत बचाएगा। आप उनसे पूछते रहे, मेरे सामने रोज खड़े हो जाते बात। मैं विशेष रूप से अपना भारत मोर्चा का जो है आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ कि आज उन्होंने मुझे पूर्ण रूप से समर्थन दिया है, सहयोग किया है, उसके लिए उनका बहुत आभार। अरे एक दिन में सदन से नहीं भाग, सदन से तो कांग्रेस भागती है, वॉकआउट करती है, कभी वॉकआउट के साथ साथ ये तो 6 बजे उपवासियां लेने लग जाते हैं सारे कि हमारा तो टाइम ही दूसरा हो गया, इस हाउस को बंद करो। अब की बार विधानसभा का सत्र होगा, आपको इनवाइट करूंगा, आप जरूर आना उसमें, आप देखना कौन भागता है वहां। अंत में मैं एक बार फिर अभय जी का उनको शुभकामनाएं भी देता हूं अपना भारत मोर्चा की तरफ से, और एडवांस में क्योंकि जनादेश तो जनादेश है लेकिन जो व्यक्तिगत हमने जाकर के देखा है, 36 बिरादरी आपके साथ हर वर्ग मजबूती से है और मुझे लगता है कि इसके बाद जरूर ये सरकार बाध्य होगी ये तीनों कृषि कानून वापस लेने के लिए, MSP का कानून बनाने के लिए, और जो गिरदावरी भी ये नहीं कर रहे। देखिए सरकार को ये पता पहले ही चल गया था 9-10 महीने पहले कि चुनाव आना है। अगर इतना ही विकास करना चाहते तो 9 महीने सरकार के पास पर्याप्त समय होता है, वो खींच सकते हैं मीटर, लेकिन उनको पता था हार रहे, इसलिए ना तो कोई काम करवाया उन्होंने, 60-60 इम्पोर्ट करके कैंडिडेट लिए बीजेपी और कांग्रेस ने, और उसके बाद के हालात आप देख रहे हो। अंत में यही कहूंगा कि इस चुनाव के बाद नया विकल्प ही देश प्रदेश आज नया विकल्प ढूंढ रहा है, और जहां उनको मिल जाता है वहां वो कांग्रेस और बीजेपी दोनों को रगड़ देते हैं। आने वाले समय में नया विकल्प ही नया विपक्ष होगा, ये मैं मानता हूं इस हरियाणा की राजनीति में, और अभय जी को पूरा हमारा समर्थन भी है, शुभकामनाएं है कि ऐतिहासिक वोट से बढ़िया मार्जिन से वो जीत करके हरियाणा के विधानसभा में फिर मजबूती से आवाज उठाएं। धन्यवाद, बहुत बहुत जय हिंद।